ग्लोबल डेवलपमेंट मीटिंग में रूस के समर्थन में खुलकर उतरा है चीन और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की तीसरे दिन भी चीन ने आलोचना की है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीति पर जमकर बरसा है ड्रैगन। रूस ने 24 फरवरी को जब से यूक्रेन पर हमला किया है उसके बाद से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नाटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मॉस्को की घेराबंदी के लिए ब्रिटेन भी लगातार घेराबंदी कर रहा है, लेकिन जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने दोस्त शी जिनपिंग से लगातार समर्थन भी मिल रहा है, जिससे पुतिन का जोश भी यूक्रेन के खिलाफ आई है। चीन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के तीसरे दिन भी आलोचना की। जिनपिंग ने चीन को नियंत्रित करने के लिए नए गठबंधन के गठन की भी तीखी निंदा की है। चीन ने ग्लोबल डेवलपमेंट में एक हाई लेवल वर्चुअल बैठक को संबोधित किया, जिसमें अमेरिका की संरक्षणवादी नीति पर जमकर हमला बोला और उसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी। चीन ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि जो भी अलग गुट बनाएगा वो खुद दुनिया से अलग थलग हो जाएगा। राष्ट्रपति जिनपिंग ने ये भी जोर देकर कहा कि किसी भी देश पर जरूरत से ज्यादा बोझ देना सही नहीं है। जिनपिंग ने बृहस्पतिवार को 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना की है। और उधर चीन ने ग्लोबल डेवलपमेंट डायलॉग में वैश्विक विकास का राग छेड़ा है। 2030 तक अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में रहेगा विकास का मुद्दा, चीन का कहना है ये। चीन ने ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए $1 अरब देने का भी ऐलान किया है। चीन, जिसने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाया, जिसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है, उस चीन ने वैश्विक विकास का राग छेड़ा है। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए संयुक्त प्रयास की भी अपील की है। शी जिनपिंग ने बीजिंग में हुए ग्लोबल डेवलपमेंट डायलॉग की वर्चुअली मेजबानी की और उसमें हिस्सा लिया। जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया में समृद्धि तभी बरकरार रहती है जब सभी लोग अच्छी तरह से जीते हैं, तभी सभी की रक्षा की जा सकती है और मानवाधिकार को भी मजबूत बनाया जा सकता है। जिनपिंग ने इसके लिए साल 2030 तक विकास को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर रखने का टारगेट दिया है और इसके लिए एकजुट होकर काम करने की दुनिया के देशों से मांग की है। जिनपिंग ने ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त $1 अरब देने के ऐलान किए हैं और इससे पहले $3 अरब देने की पहले ही प्रतिबद्धता जता चुके हैं। जिनपिंग ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के एक दिन बाद डिजिटल माध्यम से वैश्विक विकास पर हाई लेवल बातचीत की है।